प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। मेरी प्रियो, आज का वचन है पुराने नियम निर्गमन की किताब अध्याय नंबर 17, चट्टान से पानी बहाना। तो मूसा ने किस प्रकार सीने पर्वत से पानी बहाया, पढ़ेंगे। फिर इसराइल की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तो उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों को देखते हुए ऐसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन था कि इस स्टोरी का सारांश ये है कि परमेश्वर से पर हमारा कितना विश्वास है। हम धीरज नहीं रखने के कारण, इसराइलियों ने धीरज नहीं रखने के कारण वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर मिस्र से सारे इसराइलियों को छुड़ा के लेके आया और समुद्र को दो भाग कर दिया और सारी सेना को समुद्र में मार डाला और वहां से छुड़ा के लेके आया और इसराइलियों ने पूरा मन्ना बटोरा। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना की बारिश करी और सारे इसराइलियों ने मन्ना बटोरा और खाने के लिए चिड़िया दिया। तो मेरे प्रियो, इतना सब करने के बावजूद भी इसराइलियों का मन में विश्वास नहीं था यहोवा परमेश्वर के प्रति, धीरज नहीं था और जो वो बार बार थोड़ा सा भी इसराइलियों के मन में धीरज न होने के कारण वो यहोवा परमेश्वर से पीछे हट गए और उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा, सोने का बछड़ा भी बनवाया, अपने लिए देवता बनाया और नाचने कूदने लगे, और जिससे यहोवा परमेश्वर को इस बात पे बहुत क्रोध आया। लेकिन मूसा उनको बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, मूसा ने उन्हें बचाने के लिए मना किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर कितना धीरज है ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया।